शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबको, बहुतों को नहीं पता है, हम चारों तरफ की चकाचौंध देखते हैं, बड़ा बड़ा देखते हैं, तो लगता है हमारा यूपी बहुत पीछे है। पीछे नहीं है। अब ये शुरुआत देखो कि सूरज निकलता कहाँ है। अगर दार्जिलिंग में निकला तो सुबह 4 बजे निकलता है। आप जाके देखो 4 बजा घड़ी का, और वहाँ रोशनी, सूरज की किरण फैल गई, सवेरा हो गया अमृत वेले। और जहाँ 7 बजे निकलता है पश्चिम में, तब तक 3 घंटे की रात्रि है, 4 से 7 तक। तो 3 घंटा वो रजाई सोने वाले होते हैं, नहीं होंगे, अंधेरा है। तो जो ज्ञान सूर्य प्रगटा, वो पहले कहाँ से, जो सेवाओं के क्षेत्र में, वो कानपुर से पहली किरण। अभी वो कौन सुना रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, कि पहले बाबा सबको कहाँ भेजते थे, कानपुर। अभी अभी किसी ने सुनाया था कि जाओ, जाके वहाँ की सेवाएं देख के आओ, तो वहाँ भेजे जाते थे। और जाके सेंटर कैसे खुलता है, जाके देखो, हाँ सूर्य भाई का ना, किसी ने कहा कि जाओ सेंटर क्या होता है वो कानपुर में देख के आओ। रमेश भाई को बाबा ने भेजा, ये हमारी जो अभी आजकल छत्तीसगढ़ में है ना, कमला बहन मिश्रा जी और कमला को खास कानपुर भेजा गया, जो आज पार लिया, उनका विधानसभा सब उनकी मुट्ठी में है। तो ये सबको भेजा जाके देख के आओ, और उनको भेजा था इंदौर वाले ओम प्रकाश भाई को, और ये जबलपुर, वहाँ सर्विस के कारण थे जबलपुर में, उनको भी कानपुर भेजा गया कि जाओ देखो सेंटर क्या होता है, किसको सेंटर कहते हैं। तो बाबा एक एक को भेजते थे, और कैसे सेवाएं होती है तो लंबी कहानी है। फिर बाबा ने सबको भेज दिया सेवा में, शुरू शुरू में जो भी निकले, तो बाबा कहे जाओ बेहद की सेवा करो। पता है कहाँ कहाँ सेंटर खोला है? सिंदरी का सेंटर कानपुर से खुला है, पता है किसी को? पता ही नहीं है। धनबाद का सेंटर कानपुर से खुला, गंगे दादी ने खोला है। तो जैसे हमारे यहाँ एक लज्जा माता थी, फजलगंज कबाड़ी मार्केट में रहती थी, तो दोनों हाथ की उंगलिया दिखा देती थी, गिनती नहीं बताती थी, समझ जाओ 10 बच्चे हैं, और दसों एक से एक, एक भी नालायक नहीं, एक भी मंद बुद्धि नहीं, एक भी कमजोर नहीं, तो एक से एक ओहदे पर सब। तो जो बेटी की शादी अविनाश भाई सिंदरी में थे, और इसी कोल माइंस के ही बड़े जनरल मैनेजर थे, तो गंगे दादी जब गए थे तो उनको कोल माइंस नीचे उतार के दिखाया था। और गंगे दादी जनरल कोयले के बोगी के डब्बे में जाती थी, तब जलती गाड़ी वही थी, सरिया नहीं होती थी खिड़कियों में, पटरे का होता था शटर, उसको उठा दो बाहर, कूद जाओ प्लेटफॉर्म पे, और उठा के बाहर अंदर कूद जाओ। तो हम लोग क्या करते थे कि उधर से एक को उठा दिया, और बोगी में कितनी भी भीड़ है, सब लोग वहीं से अपनी अपनी पेटियां पकड़ा रहे हैं, एक ने उतर के प्लेटफॉर्म से ले लिया। तब ये ट्रेन चलती थी, और जर्नल डिब्बे में जाया करती थी, तब रिजर्वेशन नहीं होता था। अगर हमारा ग्रुप जा रहा है तो कुली को हटाना चाराना दे दिया जाता था। अगर अच्छा बिछ गया, कोई पैसेंजर उठा नहीं सकता, आपकी तरह थोड़े की रिजर्वेशन वाले को धक्का मारा, पैर सिकोड़ा, हमको बैठना है, तब ऐसा नहीं होता था। तो गंगे दादी जाती थी, तो झरिया का सिंदरी का सेंटर वहां से खुला, और जब धनबाद का खुला तो हमारी लौकिक माता जी को भेजा गया। तो वहाँ पर हमारे मोहन सिंगल भाई और विनोद भाई, जो अमेरिका वाले हैं, ये दोनों इंजीनियरिंग पढ़ने गए। तो कहा बाबा हमको शुद्ध भोजन कहाँ से मिलेगा? तब बाबा ने कहा तो हमारी लौकिक माँ ने उनको रोटियाँ पका के खिलाई 5 साल। तो वहाँ से ये दोनों पढ़ के आए धनबाद से।
और जब हमारा ये बन रहा था हाल का स्ट्रक्चर पड़ा था और ये ऊपर सीट पड़ गई, तैयार हो गया तो एक भाई आया, बोला बहन जी ओम शांति। मैंने कहा बताइए। कहते आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा आप नाम बताइए कैसे पहचाने। कहा मैं लंदन से आया हूँ। मैंने कहा अच्छा। बड़ी पहेली घुमा के कहते आप, मैं सुषमा अविनाश का बेटा हूँ। तो मैंने कहा आप सुषमा रमेश ऐसे कुछ नाम था। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहते ये स्ट्रक्चर बहन जी हमने डाला है, अब नाम हो रहा है कि है जो डायमंड हाल का, अब कानपुर का नाम नहीं लिया जा रहा है, अब किसका लिया जा रहा है, अब फॉरेन को तो सब जानेंगे, फॉरेन वाला भाई डाल रहा है। तो सूरज सवेरे एक जैसा नहीं होता, सुबह का सूर्य घूमता है सब तरफ जाता है, लेकिन आदि कहाँ है। तो इसी तरह से अच्छा लगा जब उन्होंने कहा मैं सुषमा अविनाश का बेटा हूँ। तो यहाँ कैसे सेवाएं शुरू हुई, बाबा ने जब निकाला तभी वो सुना रहे थे ना प्रिंटेड, तो बाबा ने सिविल लाइन सेंटर को नाम दिया था प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज, याद है। सेंटर नहीं कहते थे बाबा मम्मा, कहते थे कानपुर में प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज देखना है तो जाओ। बाबा कहते थे एक तो अजमेर में है प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज और एक है जो सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। क्योंकि जब शुरू में सभी निकले थे तो बाबा ने कमाल है निकाला भी चुन चुन के रतन था, चाहे गुप्ता जी निकले कमला बहन जी।